फिरोजाबाद के मदनपुर ककरा गांव में एक जंगली जानवर ने 3 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया, लेकिन सही से देख ना पाने की वजह से कोई उसे तेंदुआ बता रहा था तो कोई उसे बाघ कह रहा था। गांव के लोगों ने जानवर की घेराबंदी शुरू कर दी और देखते ही देखते उसे मार डाला। मारे जाने के बाद पता चला कि ये लकड़बग्घा था। हालांकि काफी देर बाद वन विभाग और स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई। अधिकारियों का कहना है कि जानवर हत्या अधिनियम के तहत लकड़बग्घे की हत्या करने के आरोप में लोगों पर केस दर्ज हो सकता है। जानवर तो कहते मेरे समझ में तो ये चीता है, लेकिन पीछे वो शाही गांव से मतलब 10-20 गांव का आदमी था इकट्ठा, 100-200 से मोटरसाइकिल असल हुए, पामरे बल बल्ल में कुड़ारी वगैरह समय पैदल हुए, कुछ लोग लाठी थी और सब हमारे गली में घुस के आया, एक कोठी में घुल गया है। कोठी के मतलब घुलने से किवाड़ बंद कर लिए, किवाड़ बंद के बाद नहीं लोगों ने मारा। ये मदनपुर करका गांव में सवेरे सूचना तो मिली थी कि कोई टाइगर जैसे जानवर को मारा गया है, लेकिन आ करके जानकारी की गई, इसको देखा गया, वन विभाग के लोग भी आए हैं, तो अब ये बताया गया कुत्ता प्रजाति का कोई बड़ा जानवर है जो चरखा गांव में चरखा कहते हैं, इस तरह का जानवर लग रहा है, टाइगर नहीं है, कन्फर्म हो चुका है। ऐसा भी बताया गया कि गाँव के बाहर किसी बच्चे पर इसने अटैक किया था, उसके बाद ग्रामीणों ने घेर करके इसको मारा है। तो इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत और पशु वध अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कराई जाएगी, जो लोग दोषी हैं उन्हें दंडित किया जाएगा। और अभी इसमें वन विभाग के अधिकारियों को कहा गया है कि इसका सही पहचान करके अभियोग पंजीकृत कराएं और पशु डॉक्टर को बता दिया गया है, इसके आके पोस्टमार्टम करें, और SHO मक्खनपुर को निर्देशित किया गया है कि इसमें आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें।